तो पूर्व में आप द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं, जहां पर एक समतल में दो निर्देशाक्ष होते हैं जिसे x और y के नाम से जाना जाता है। दोनों परस्पर लंबवत या समकोणिक होते हैं और मूल बिंदु का जो निर्देशांक है यह शून्य शून्य होता है, और इस समतल पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को पी एक्स कॉमा y से प्रदर्शित करते हैं। और आप यह जानते हैं कि ये जो दो निर्देशाक्ष है यह समतल को चार भागों में विभक्त करता है, जिसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में हम थ्री डायमेंशनल स्पेस के बारे में चर्चा करेंगे और उसे विस्तार में पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर एक समतल पर चींटी गति कर रही है तो वह द्विविमीय गति कर रही है, अर्थात उसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए किसी बिंदु के निर्देशांक में एक्स और वाई निर्देशांक को ले लिया जाए तो उसकी स्थिति ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन यदि आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है तो वह लंबाई, चौड़ाई या एक्स और वाई के साथ में ऊंचाई अर्थात जेड एक्सिस पर भी वह गति कर रहा है। तो इस प्रकार किसी आकाश में स्थित किसी बिंदु के स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, एक्स, वाई और जेड निर्देशांक। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पर ये तीन समकोणिक अक्ष होते हैं एक्स, वाई और जेड, जो कि परस्पर लंबवत होते हैं। ये तीनों अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं जिसका निर्देशांक शून्य 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 होता है, और इस आकाश में स्थित किसी बिंदु की स्थिति पी एक्स वाई जेड इससे प्रदर्शित किया जाता है। ये जो निर्देशाक्ष हैं ये पूरे आकाश को आठ अलग अलग भागों में विभक्त करते हैं जिसे अष्टांक के नाम से जाना जाता है। तो आप इस चित्र में देखकर समझ सकते हैं कि ये जो आकाश है या स्पेस है ये आठ अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ अवधारणाएं और फिर इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु की स्थिति, तो मान लेते हैं कि ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है और यहां पर कोई बिंदु P है। अब इस बिंदु P से XOY समतल पर एक लंब खींचते हैं PM, M से OX पर एक लंब डालते हैं ML, तब OX बराबर X, ML बराबर Y और MP बराबर Z, जहां पर x, y और z वास्तविक संख्याएं हैं और इसी को हम बिंदु P के निर्देशांक कहते हैं। यहां पर OL इक्वल टू x जो कि P का x निर्देशांक है, ML इक्वल टू y जो कि P का y निर्देशांक है और MP बराबर z जो कि P का z निर्देशांक है। समतलों और अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, तो माना कि अंतरिक्ष या फिर थ्री डायमेंशनल स्पेस पर कोई एक बिंदु P x y z है जो कि चित्र में दिखाई दे रहा है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु n के लिए y और z निर्देशांक शून्य होंगे, अर्थात उसका निर्देशांक x 0 0 क्रम का होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि x अक्ष पर y निर्देशांक और z निर्देशांक शून्य होते हैं, इसी तरीके से y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु l के लिए x और z निर्देशांक शून्य होंगे, अर्थात उसका निर्देशांक 0y 0 क्रम का होगा। z अक्ष पर स्थित किसी बिंदु r के लिए x और y निर्देशांक शून्य होंगे, अर्थात उसका जो निर्देशांक है वो 0 0 z इस क्रम का होगा। yz समतल पर स्थित किसी बिंदु s का x निर्देशांक शून्य होगा, अर्थात उसका निर्देशांक 0 yz इस क्रम का होगा। xy समतल पर स्थित किसी बिंदु m का z निर्देशांक शून्य होगा, अर्थात उसका निर्देशांक xy0 इस क्रम का होगा। zx समतल पर स्थित किसी बिंदु q का y निर्देशांक शून्य होगा, अर्थात उसका निर्देशांक x0z इस क्रम का होगा। अष्टांक या ऑक्टेंट्स, निर्देशांक समतल पूरे आकाश को आठ भागों में विभक्त करते हैं, इन भागों को अष्टांक या ऑक्टेंट कहते हैं। तो यहां पर एक सारणी दी जा रही है जिसमें कि अलग अलग आठ भागों पर एक्स, वाई और जेड के निर्देशांक के चिन्ह क्या होंगे यह दिया गया है। उदाहरण के तौर पर ओ एक्स वाई जेड ये एक ऑक्टेंट है, इस पे एक्स, वाई और जेड तीनों निर्देशांक के चिन्ह धनात्मक होंगे। इसी तरीके से
ओ एक्स डैश वाई जेड, इसमें एक्स निर्देशांक निगेटिव या ऋणात्मक होगा और शेष वाई और जेड निर्देशांक धनात्मक होगा। या फिर आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जिस निर्देशांक में डैश लगा है उसके लिए ऋण चिन्ह लगाएंगे और जो निर्देशांक सामान्य है उसके लिए हम धन चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो जैसे कि ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, इस पे वाई और जेड दोनों पर डैश लगा है, इसका मतलब ये कि इस ऑक्टेंट पर वाई और जेड निर्देशांक ऋणात्मक होगा और एक्स निर्देशांक धनात्मक होगा। तो इससे यह स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न अष्टांकों में स्थित बिंदुओं के निर्देशांकों में चिन्ह का अंतर होता है। तो देखिए, ये एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है और आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये स्पेस कुल 8 भागों में बटा हुआ है और यही अष्टांक है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी माना पी एक्स वन वाई वन जेड वन और क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू, दो दिए हुए बिंदु हैं। P और Q से XY समतल पर लंब PM तथा QN डालो जो XY समतल को M तथा N पर मिलते हैं। तब M का जो निर्देशांक होगा वो X1Y1 0 होगा, N का निर्देशांक X2Y2 0 होगा, क्योंकि XY समतल पर Z निर्देशांक शून्य होता है। इसी प्रकार XY समतल पर M का निर्देशांक X1Y1 और N का निर्देशांक X2Y2 होगा, इसलिए एम एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब P से लंब पी आर क्यू एन पर खींचे जो क्यू एन को R पर मिल रहा है, तब पी आर इक्वल टू एम एन होगा तथा क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एन माइनस आर एन और इसको लिखा जा सकता है क्यू एन माइनस पी एम। चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं इक्वल टू होगा Z2 माइनस Z1। अब समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग से हम लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। तो आगे इसे सरल करने पर आपको मिल जाएगा पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर एक्स निर्देशांकों का अंतर उसका वर्ग धन वाई निर्देशांकों का अंतर उसका वर्ग धन जेड निर्देशांकों का अंतर और उसका वर्ग और इन सबको जोड़कर उसमें वर्गमूल लगा देंगे तो यह दो बिंदुओं की बीच की दूरी हमें मिल जाएगी। तो इससे कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं जो कुछ इस प्रकार है। बिंदु O 000 अर्थात मूल बिंदु और एक बिंदु है P X1 Y1 Z1, इसकी बीच की दूरी होगी स्क्वायर रूट ओवर X1 का स्क्वायर प्लस Y1 का स्क्वायर प्लस Z1 का स्क्वायर। इसमें दूसरा बिंदु है बिंदु P X Y Z की X अक्ष से लंबवत दूरी वर्गमूल Y का वर्ग धन Z का वर्ग होगा। बिंदु पी एक्स वाई जेड की वाई अक्ष से लंबवत दूरी वर्गमूल एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग होगा। बिंदु पी एक्स वाई जेड की जेड अक्ष से लंबवत दूरी वर्गमूल एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग होगा। बिंदु पी एक्स वाई जेड की एक्स वाई समतल से लंबवत दूरी जेड होगी। इसी प्रकार बिंदु पी एक्स वाई जेड की वाई जेड समतल से दूरी एक्स होगी और अंत में बिंदु पी एक्स वाई जेड की एक्स जेड समतल से लंबवत दूरी वाई होगी, वाई अर्थात वाई निर्देशांक होगी। दूरी के सूत्र के प्रयोग के लिए कुछ ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म आपको याद होने चाहिए। इसी का उपयोग करके हम आगे प्रश्नों को सरल करेंगे। तो इसमें पहली आकृति है वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती है। समचतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर होती है पर विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती। अगली आकृति है आयत। इसमें सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है और विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती है परंतु विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और इसमें से पहला प्रश्न बिंदु है एक दो तीन त
तथा एक तीन और ऋण दो, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इससे संबंधित सूत्र अभी हम पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए हम पहले दोनों बिंदुओं को मानेंगे कि माना ए ये 1, 2, 3 है तथा बी ये 1, 3, -2 है। और हम यह जानते हैं कि यदि पी X1, Y1 और Z1 तथा Q X2, Y2, Z2 हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर स्क्वायर रूट ओवर X1 माइनस X2 का स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ये होता है। या तो फिर आप इसके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, X2 माइनस X1 और ये Y2 माइनस Y1 और ये Z2 माइनस Z1। तो इसका उपयोग करके हम ए बी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर X1 माइनस X2, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 Z1 और ये Z2, माइनस और माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि 1 और 1 0 और 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का पावर 2 आपको मिल जाएगा प्लस 1, 3 प्लस 2 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके से जो ए बी की बीच की दूरी है ये स्क्वायर रूट ओवर 26 है, और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए बिंदुएँ समरेख है और हमें 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न, बिंदु दिया गया है 3, -2, 4, 1, 1, 1 और -1, 4, -2, ये 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो और हमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदुएं जो है वो समरेख हैं। तो पहले इन बिंदुओं का हम नामकरण कर देते हैं। माना कि बिंदु ए है ये 3, -2, 4, बिंदु बी ये 1, 1, 1 और बिंदु सी -1, 4 और -2 है। अब दो तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, वो ये कि माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और माना ये बिंदु सी है। तो ए से सी के बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी के योग के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अगर यह स्थिति बनती है तब ये तीनों बिंदुएं समरेख है। तो ये इस कंसेप्ट का हम उपयोग करने वाले हैं। इसके लिए हमें पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी होगी, और थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है और कैसे इसको सरल करते हैं। स्क्वायर रूट ओवर X1 माइनस X2, तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करने पर 3 - 1 अर्थात 2 का स्क्वायर 4, -2 - 1 -3 मिलेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 और 4 - 1 आपको मिल जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 22। इसी तरीके से बी से सी की बीच की दूरी निकाल सकते हैं, 1 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 Y1 माइनस Y2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा Z2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर मिल जाएगा 4, 1 - 4 मिल जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 9, 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर मिल जाएगा 9। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी स्क्वायर रूट ओवर 22 है। और ए सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ए सी या सी ए, 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - और -+2 का होल स्क्वायर। 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, -2 - 4 - 6 आएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 36 और 4 + 2 6 और 6 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा अगेन 36। सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट ओवर 88, और 88 को आप लिख सकते हैं 22 * 4। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा
4 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा 2 और ये स्क्वायर रूट ओवर 22। तो यहाँ पर आप यह देख पा रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी, ए बी स्क्वायर रूट ओवर 22, बी सी स्क्वायर रूट ओवर 22, दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 22 और ये ए सी के लंबाई के बराबर है। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी या फिर सी ए। तो इससे हम कह सकते हैं कि बिंदु ए बी तथा सी समरेख है और यही हमें सिद्ध करना था। दूसरी विधि है, हम सारणिक का उपयोग करके भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये तीनों बिंदुएं समरेख हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को समरेख सिद्ध करने के लिए हम सारणिक का उपयोग करेंगे। सारणिक ये एलिमेंट्स को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये 3, ये -2 और ये 4, 1 1 1 और -1 4 और -2। इसको हम सरल करके देखते हैं। यदि सारणिक का मान 0 आता है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदुएं समरेख हैं। सारणिक को हल करने के लिए पहले पंक्ति के सापेक्ष हम इसका प्रसार कर रहे हैं, तो ये 3 इस रो और कॉलम को छुपा दिया जाए, तो ये कॉलम और ये रो, तो 1 1 4 -2 1 1 4 -2, फिर माइनस साइन लगता है और माइनस और फिर ये -2 प्लस साइन। इस रो और इस कॉलम को छुपा दीजिए, ये 1 1 -1 -2 1 1 -1 -2 फिर प्लस ये 4 और इस रो और कॉलम को छुपा दीजिए, 1 1 -1 4 1 1 -1 4। अब इसको सरल करते हैं। इसको सरल करने की प्रक्रिया होती है कि इसका तिरक गुणा करते हैं, 2 और 1 का तिरक गुणा करेंगे मिल जाएगा -2, फिर ऋण चिन्ह के साथ में 4 और 1 तो मिल जाएगा 4, फिर ये -2, 1 से आप गुणा करेंगे -2 का आपको मिल जाएगा -2, फिर ऋण चिन्ह और फिर ये -1 और 1 का गुणा करेंगे मिलेगा -1, तो ऋण और ऋण -1, फिर ये 4 से 1 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4 और ऋण ऋण 1 और 1 का गुणा करेंगे मिल जाएगा -1 और ऋण और ऋण धन। आगे सरल करेंगे तो 3 और ये दोनों को सरल करेंगे तो -6 और फिर -2 - 1 करेंगे तो मिल जाएगा -1 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा -2, 4 और 1 5 और 5 और 4 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 20, ये 6 और 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 18 और ये ऋण चिन्ह के साथ फिर ये -2 और ये -20, तो -18 - -2 - 20 और -20 अल्टीमेटली आपको मिल रहा है 0। तो चूंकि इस सारणिक का मान 0 है तो अतः आप कह सकते हैं कि बिंदुएं ए 3 - 2 - 4 बी 1 1 1 तथा सी 1 4 - 2 समरेख है। यहाँ पर हमने इस सारणी का उपयोग किया है। आप इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में भी लिख करके हल कर सकते हैं, अर्थात यदि आप इसके इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 - 2 - 4 1 1 1 और -1 4 - 2। ये जो हमने इसको रो में लिखा है इसको हमने कॉलम में लिख लिया, यहाँ पर ये दूसरा रो है उसको हमने दूसरा कॉलम बना लिया और जो तीसरा रो है उसको तीसरा कॉलम बना लिया। इसको भी जब आप सरल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से सारणिक का मान यदि 0 है तो आप कहेंगे कि ये तीनों बिंदुएं समरेख है। अगला प्रश्न दिया गया है, बिंदु 4 3 5 की वाई अक्ष से और एक्स जेड समतल से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बिंदु P एक्स वाई जेड की वाई अक्ष से लंबवत दूरी ये होता है, लंबवत दूरी ये होता है स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई अक्ष से दूरी कहा गया है तो स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, वह एक्स जेड समतल से
लंबवत दूरी। वाई होता है तो इसका क्यों उपयोग हम करेंगे, हम लिखेंगे अतः बिंदु, हमारा जो बिंदु था ये 4, 3, 5 की वाई अक्ष से दूरी या लंबवत दूरी आप लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स मतलब यहाँ पर ये 4 है और जेड मतलब यहाँ पर 5 है, तो इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। इसको सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्गमूल 41 और यही इस बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी है। अब दूसरा कि बिंदु 4, 3, 5 की एक्स जेड समतल से दूरी, या से लंबवत दूरी ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लंबवत दूरी ये होगी 3 इकाई। एक्स जेड समतल है अर्थात वाई निर्देशांक और इसका वाई निर्देशांक है 3। इसी तरीके से यदि हमें पूछा जाए कि बिंदु 4, 3, 5 की वाई जेड समतल से लंबवत दूरी, यहाँ पर एक्स जेड समतल है तो इसका, यहाँ पर वाई जेड समतल है तो इसका बिंदु का वाई जेड समतल से लंबवत दूरी जो होगा वो एक्स निर्देशांक होगा, तो आप लिखेंगे 4 इकाई। और इसी तरीके से यदि बिंदु 4, 3, 5 की एक्स वाई समतल से लंबवत दूरी पूछा जाए, एक्स वाई तो इसका कौन सा निर्देशांक छूट रहा है, जेड, तो इसकी लंबवत दूरी होगी या जेड निर्देशांक अर्थात यहाँ पर यह 5 है। तो इसी प्रकार यदि पूछ लिया जाए कि बिंदु 4, 3, 5 की हमने वाई अक्ष से दूरी निकाला है, यदि एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तो एक्स अक्ष वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको छोड़ देंगे, बाकी 2 है 3 और 5, तो ये 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, तो आपको मिल जाएगा वर्गमूल 34। इसी तरीके से बिंदु 4, 3, 5 की जेड अक्ष से दूरी यदि निकालने कहा जाए तो जेड निर्देशांक को छोड़ देंगे, 4 और 3 वर्गमूल 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, वर्गमूल 25 अर्थात 5। तो इस तरीके से आप और भी प्रश्नों को सरलता से हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न में हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। यदि बिंदुएं 7, 1, -3 और 4, 5 लैम्डा के बीच की दूरी 13 इकाई हो, तो फिर से यहाँ पर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का उपयोग करना है। तो पहले हम दोनों बिंदुओं को नाम दे देंगे कि माना बिंदु P है, ये है 7, 1 और -3 तथा Q ये है 4, 5 लैम्डा। और प्रश्न में दिया गया है कि P से Q की बीच की दूरी ये 13 इकाई है, तो फिर हम यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो इससे यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 169। तो पी क्यू का वर्ग, तो यहाँ पर वर्गमूल नहीं लगेगा और आप सीधा लिख सकते हैं x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर और ये आपका 169 है। 7 - 4 करेंगे मिल जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा आपको 9। 1 - 5 करेंगे मिल जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे आपको मिल जाएगा 16। इसी तरीके से -3 - λ का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 + λ² + 6λ = 169। या फिर इसे जब आप सरल करेंगे, इस कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में ले आएंगे और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 6λ² + 6λ
-135 इक्वल टू जीरो। तो ये लैम्डा में एक वर्ग समीकरण है, आप इसे सूत्र विधि के द्वारा या गुणनखंड विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस 135 इक्वल टू जीरो। अब प्रथम दोनों पदों से यदि आप लैम्डा को कॉमन लें तो बचेगा लैम्डा प्लस 15, और इसी तरीके से अंतिम दो पदों से आप माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो बचेगा लैम्डा प्लस 15 इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से दोनों पदों पर लैम्डा प्लस 15 जो है ये उभयनिष्ठ है, और फिर ये लैम्डा माइनस 9 और फिर इक्वल टू जीरो। दोनों पदों को अलग अलग जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू माइनस 15 और 9, और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। Z अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु 1, 2, 3 से दूरी वर्गमूल 21 इकाई है। तो पहली बात यह कि आपको Z अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए, और फिर दूसरा जो बिंदु दिया है 1, 2, 3, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे जो कि दिया गया है वर्गमूल 21, और इसको हम सरल करेंगे तो आपको चर राशि का मान मिल जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे कि माना Z अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक Z अक्ष में बाकी दो निर्देशांक X और Y ये जीरो हो जाएगा, और Z निर्देशांक हम Z लिखेंगे, और इसके अलावा एक जो बिंदु दिया गया है, मान लेते हैं कि अगला जो बिंदु दिया गया है यह Q है और ये 1, 2, 3 है। अब प्रश्न में दिया गया है कि P से Q की बीच की दूरी, तो आप इसे लिखेंगे PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 21। दोनों पक्षों का यदि आप वर्ग कर दें, या वर्ग नहीं करेंगे तो पहले हम PQ का मान निकाल लेते हैं, PQ अर्थात दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी, तो वर्गमूल x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 21। तो दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग कर दें तो वर्गमूल हट जाएगा दोनों पक्षों पर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 ऋण z का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 9 धन z का वर्ग ऋण 6z बराबर 21। अब देखिए कि यह z में एक वर्ग समीकरण है, तो ये जो 21 राइट साइड पे उसे हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं पक्षांतर करके और सरल करते हैं, तो हमें मिलेगा z स्क्वायर माइनस 6z माइनस 7 इक्वल टू ज़ीरो। तो z स्क्वायर माइनस 6z माइनस 7 इक्वल टू ज़ीरो ये एक वर्ग समीकरण है, और इसे हम गुणनखंड विधि या सूत्र विधि से हल कर सकते हैं। तो z स्क्वायर माइनस 7z प्लस z माइनस 7 इक्वल टू ज़ीरो सॉल्व करेंगे, प्रथम दोनों पदों में आप z कॉमन ले सकते हैं, ये z माइनस 7 और फिर प्लस 1 z माइनस 7 इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको आगे जब z माइनस 7 दोनों पक्षों पर हैं उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये z माइनस 7 और फिर z प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। दोनों पदों को अलग अलग आप शून्य से इक्वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा z इक्वल टू 7 या फिर माइनस 1, इससे आपको 7 मिल जाएगा और इससे आपको माइनस 1 मिलेगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि अभीष्ट बिंदु, जो बिंदु का निर्देशांक चाहिए था, ये पी 00z अर्थात यहाँ पर 7, अथवा पी 00 माइनस 1 है।